हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले लिखते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम आज पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब सपोज इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब ये कहता हूं पहले लिखते हैं फिर बाद में समझेंगे। सपोज इफ y इक्वल टू एफ एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू सॉरी डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसका इस्तेमाल कहां पर आता है, देखे भी होंगे बहुत बार कि जैसे रख दिया है y इक्वल टू साइन x देन dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x। आपने देखा भी होगा y इक्वल टू साइन x तो हम लिखते हैं dy वाई डी सी कॉस x। बहुत बार बोला जाता है बच्चों की बेटा ये फॉर्मुला याद करके रखना और इसको यूज करके हम बाकी वीडियो को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यू देन डी वाई बाय dx is equal to 3x square या फिर y is equal to log x then dy by dx is equal to 1 by x। बोला जाता है ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला आया कहां से, उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब फिर लौट के आते हैं इसमें, y is equal to अगर fx है तो dy by dx is equal to limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus fx divided by delta x, ठीक है? चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखे, y इज इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x और y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है? y इक्वल fx मतलब क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x ऑफ x और वी कैन से y डिपेंड्स अपॉन x डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है? यहां पर y क्या है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पर ये जो टर्म अल्फाबेट x जो है, x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल। इसके एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे, जैसे अगर a इज अ मैन और B इज ए सन, है ना? A का बेटा B है, A का सैलरी लेट अस से 20,000 है, उसका सैलरी 20,000 है तो अपना बेटा को देता है पॉकेट मनी 200 और बोलता है बेटा से बेटा अगर मेरा सैलरी 30,000 होगा तो मेरा पॉकेट मनी होगा 300। मतलब B का पॉकेट मनी डिपेंड कर रहा है A का सैलरी के ऊपर, मतलब A का सैलरी अगर हो गया X तो B का सैलरी हो गया, B का पॉकेट मनी हो गया Y। मतलब इसको चेंज करके इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये जब भी चेंज होता है ये भी चेंज होता है तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन वाई और एक्स। सिंपल से एग्जांपल और एक भी है, जैसे अगर हम देखते हैं वाई इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर हमारा हो गया वाई डिपेंड कर एक्स के ऊपर, मतलब राइट हैंड साइड में जो है वो डिपेंडेंट लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में है जो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड में है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारा एक्स का वैल्यू अगर चेंज हुआ तो वाई का वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा बट नॉट बाय द सेम अमाउंट। इसलिए अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स है, ये हमारा वाई डिपेंड होता है एक्स के ऊपर। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, सो दीज आर ऑल फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो जब भी एक्स का वैल्यू चेंज होता है वाई का वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है? चलिए फिर वापस इस पे आते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू f x, मतलब y कैन बी x स्क्वायर, y कैन बी x क्यूब, y कैन बी sin x, y कैन बी cos x, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ x बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा x देन वैल्यू ऑफ डेल्टा y आल्सो चेंज कॉरस्पॉन्डिंग, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी चेंज the value of x by a small amount the value
of y also changes correspondingly. ठीक है, correspondingly साथ में change होता है but not by the same amount. Correspondingly but not by the same amount. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा जब हम डिराइव करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम y को f के जगह हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर, हम ये फंक्शन को लेके सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, इसका निकालिए उत्तर पे इसके बाद में लौट जाएंगे. ठीक है, तो मान लीजिए हमारी इक्वेशन जो है y टू f के ऊपर दिया, मैं लिखूंगा y इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब इस y इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1. अब x का वैल्यू चेंज करता है स्मॉल अमाउंट, मतलब x को क्या करूंगा, विल चेंज द वैल्यू x बाय स्मॉल अमाउंट, मतलब x को मैं बढ़ा के चेंज कर दिया, डिरेक्ट कर रहा हूं, मैंने x को बढ़ा के मैं क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x, है ना, x को मैं रिप्लेस कर दिया टू x प्लस डेल्टा x, एंड डेल्टा x इज वेरी स्मॉल वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो के करीब है, दैट इज डेल्टा x is almost equal to zero, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं 0.0000001 is almost equal to zero ले सकते हैं, it's not equal to zero लेकिन closer to zero. तो हम क्या किए, x को बढ़ा दिया अपने small amount delta x, where delta x is very small value tending to zero, it's not equal to zero लेकिन zero के बहुत करीब है. तो अगर x का value change किया मैं small amount delta x, तो y का value भी change हो जाएगा by some amount. मैं नहीं बोल रहा स्मॉल अमाउंट, y का वैल्यू चेंज हो जाएगा बाय सम अमाउंट y प्लस डेल्टा y. ठीक है, अब देखो क्या है, तो अगर मैं x को रिप्लेस करूंगा x प्लस डेल्टा x, तो y हो जाएगा क्या, y प्लस डेल्टा y, सो वी कैन राइट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x की जगह रख दो क्या, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको अभी सॉल्व एक्सपेंड करते हैं, सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, और ये एक्सपेंड कर दीजिए. अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है दिस इज वेरी सेम एज ये इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर इज सिमिलर टू, तो हम लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जगह लिख सकता हूं क्या, y प्लस टू एक्स डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, तो ये y कट गया, तो अब हमारी इक्वेशन है क्या क्या y डेल्टा y, है ना, इसको हम मिटाते हैं यहां पर, तो अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू टू एक्स डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर. ठीक है, डेल्टा वाई इतना हो गया, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ द साइड्स डेल्टा एक्स, वेन हम यहां पर लिमिट, अगर आप लिमिट कंडीशन पढ़ रहे हैं तो लिमिट देखते हैं, हम बाउंड्री के रहे कंडीशन कि लिमिट डेल्टा एक्स के बहुत छोटा है, ये तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब इधर लिखेंगे डेल्टा एक्स tending to zero. Okay? तो अब हम यहां पर देखेंगे डेल्टा एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, हम डेल्टा एक्स बाहर निकाले, अंदर आ गया 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, अब ये जो टर्म है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, हम इसको लिखते हैं dy by dx, small change in y divided by small change in x, where delta x tends to 0 is equal to dy by dx, हम इसको बोलते हैं derivation or differentiation. अब यहां पर ये कट गया, अब कटने का तो हमारा रहा है dy by dx is equal to limit delta x tending to 0 2x plus delta x. अब देखो हम ये equation को simplify नहीं कर सकते, it is already in the simplest form, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए डेल्टा एक्स का लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो डेल्टा एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कितना है 0, यहां पुट कर देंगे क्या लिमिट
delta x tending to 0, 2x plus 0 is equal to answer kitna ho gaya 2x operation khatam. Okay, so now we can write dy by dx is equal to kitna ho gaya hamara 2x. Ye hamara hai answer. हम फर्स्ट प्रिंसिपल का जनरल इक्वेशन ही लिखे हैं, यानी कि एक एग्जांपल लेके हम निकाल दिए वैल्यू की dy by dx = 2x. हो गया, ये हमारा है जनरल एक्सप्रेशन को यूज करके, ये है. अब ये तो इक्वेशन हो गया, अब हम आते हैं जनरल इक्वेशन को डिराइव करेंगे. ये हम एग्जांपल लेके किए एक इक्वेशन y को x वेक्टर के साथ की. अब क्या करेंगे हम y को fx करके फिर इसी को फिर रिपीट करेंगे. हो गया, तो यहां पर जो हमारे फाइनल एक्सप्रेशन है हम इसको ले सकते हैं इक्वेशन 2. चलिए काम करते हैं इसका. अब आते हैं जनरल इक्वेशन पर. सो लेट अस से y इज इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, ठीक है. सो अगर x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं स्मॉल अमाउंट x प्लस डेल्टा x, तो कॉरस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू भी चेंज जाएगा स्मॉल अमाउंट y प्लस डेल्टा y. तो ये हमारा इक्वेशन 1, और हम ले सकते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x. ये हमारी इक्वेशन 2, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, विल सेपरेट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ठीक है. y कट, सो नाउ वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ठीक है. डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ द साइड्स, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, हम इसको बोलते हैं dy बाय dx, ठीक है. अगर बीच वाला ये आपको हटा देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ये हमारा है फर्स्ट प्रिंसिपल. तो हम क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट क्लासेस में बाकी जितना हम लोगों को फॉर्मूला दिया गया उस फॉर्मूला को हम एक एक करके इस प्रिंसिपल से करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है.